ये मेरी बहन है, जब इसे मुझे देखा ना रोते हुए तो इससे रहा नहीं गया, इसने टिकट बुक करी और ये आ गई मेरे पास। इसने मेरे को बोला कि तू कहीं मत जा, तू एक काम कर, घर चल, आने वाले टाइम पे ये यहाँ पे रहेगी भी नहीं और मैं इसको हो गए। और ये हर एक दुख सुख हर एक चीज में मेरे साथ खड़ी, कभी भी कोई जरूरत हो या कुछ हो तो ये मेरे काम आती है। जब इसे मुझे देखा ना रोते हुए और रोज मेरे को व्लॉग्स में देख रही है कि लोग ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो इससे रहा नहीं गया, इसने टिकट बुक करी और ये आ गई मेरे पास। इसने मेरे को बोला कि तू कहीं मत जा, तू एक काम कर, मेरे घर चल, जब वो आ जाएंगे तब तेरा जो भी डिसीजन होगा वो देख लेंगे, अभी तू मेरे साथ चल। देखो ऐसा है कि मैं चारों बच्चों के लिए जा सकती हूँ, जैद, दयान, तूबा, चारों मेरे बच्चे हैं, चारों को मैं आराम से पाल सकती हूँ, पर जैद के बिना गोलू नहीं रह सकती, ठीक है? तो उस चीज के लिए भी सोचना पड़ेगा हमें, क्या करना है। हम तीनों अलग होंगे क्या, हम दो अलग होंगे क्या, हम दो एक साथ रहेंगे एक अलग रहेगा, वो नहीं पता, वो सब डिसाइड करेंगे, क्योंकि बच्चों को हम ये सब चीजें नहीं सुनवा सकते यार, माँ बाप सुन सकते हैं। सबों के ड्रामे चालू हो गए। अरे बहन, तू घर छोड़ के जाने वाली है नहीं, ना तू डाइवोर्स लेने वाली, तू खाली टीआरपी के लिए बकवास कर रही है और कुछ नहीं कर रही। बच्चों पे नहीं ले सकते, ठीक है? या तो हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहाँ लोग हमें जानते ही ना हो, या तो हम यूट्यूब ही छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, यूट्यूब छोड़ना पड़ जाए कोई बात नहीं, ठीक है? क्योंकि लोगों ने इतनी इतनी बातें बना दी, इतनी इतनी बातें बना दी है कि मैं बता ही नहीं सकती, ठीक है? अगर कोई ऐसा कुछ ब्लेम हमें करता है तो सबको हमारे एड्रेस पता है, सब हमारा जानते हैं हम कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं। अगर किसी को लगता है किसी के साथ कुछ गलत किया है तो ये हमारा घर है, ए टू जेड, पूरे यूट्यूब को पता है, पूरे मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया को पता हम कहाँ रहते हैं। पहली बात तो यहाँ आ सकता है, सिर्फ कमेंट में गालियाँ लिखने से कुछ नहीं होता। अगर आपको दुनिया इतनी पागल है, मुझे भी कमेंट में गालियाँ दे रही, अरे तह तक तो पहुंचो, तुझे, मम्मी को, दीदी को, मतलब जो भी हमारे पास आता है ना उन सबको गालियाँ देते हैं। अरे आप आओ घर पे, आओ आप हमें आके बोलो तुमने ये किया है तो तुमने वो किया, तुमने ये किया तुमने वो किया, तभी तो मैं बोलूंगी। सामने से कुछ भी लिखने से कुछ नहीं होता है, पब्लिक को अच्छा ही नहीं दिखती है, अच्छा ही तो कभी दिखती नहीं है। वो एक एक दिन का जितना स्ट्रगल किया है वो एक बार देख था ना, उनकी जर्नी देखने के बाद आगे आप जजमेंट कर सकते हो। आप लोगों ने एकदम से जज कर दिया कि हाँ उसका कैरेक्टर ऐसे ऐसे कैरेक्टर उसका है। ये गई है इनकी बहन, ये जो तू बकवास भोंक रही है ना कि तेरे पब्लिक ऐसा सोचती है, मेरे को तीसरी वाइब बोल दी और मेरे को ऐसा था वैसा था, तू है भी उसी लायक, तू सच में उसी लायक है। और ये जो तू पब्लिक को बोल रही है ना कि पब्लिक ऐसा है ऐसी सोच के, इसी पब्लिक ने तुझे यहाँ अर्श तक पहुंचा दिया, भूलना मत, यही पब्लिक की वोटिंग और उनके सब्सक्राइबर जनता जनार्दन ही है, ये तुझे बैठा रखी है कहाँ। और जो तू बिग बॉस में पहुंची थी ना, जनता की बदौलत पहुंची थी, आज जनता सच बोल रही, तो तुझे लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, तो यूट्यूब छोड़ दे बहन, तेरा यूट्यूब छोड़ देना ही अच्छा है, चल निकल यहाँ से। क्या बात होती है यार, एटलीस्ट देखो ना सामने वाले ने क्या क्या फेस करा है। वही चीज मैंने भी अपने आईडी पे बोली थी इंस्टा पे कि भाई उसकी जर्नी देखो, सब कुछ देखो, उसने बहुत कुछ फेस किया है। मुझसे तो नहीं देखा गया उसका रोना कुछ भी, क्योंकि भाई मेरी बहन है, मैं इसलिए आ गई उसके पास, और शायद आने वाले टाइम पे ये यहाँ पे रहेगी भी नहीं, और मैं इसको अपने साथ ही लेके जाऊंगी जहाँ तक है। बस अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, और जो चीज मैंने बोली है मैं कभी भी उस चीज से निगलेक्ट नहीं करती हूँ। अरमान जी के आने के बाद ये सब हमारा डिस्कशन होगा कि क्या करना है आगे लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्योंकि देखो कोई भी ना अपने बच्चों के लिए बदुआ नहीं सुन सकती है। और माँ को गाली दे, परिवार को गाली दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों पे जब बात आती है ना, माँ के लिए सबसे बुरी बात वही होती है। तो बस अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको बता दूंगी आगे। देख रो मत, रोने से कुछ भी नहीं होगा, बस हाँ थोड़ा सा टाइम खराब है ना, अपने आप सब नॉर्मल लग। समझा यार, इतनी देर से समझा, रोज समझाती हूँ, रोने से थोड़ी कुछ ही मिलेगा बाबू। कमेंट पढ़ते क्यों है, वही तो लोगों को तो कमेंट करने ही करने हैं, वो तो फालतू के काम है। वो कह रहे जिनको कुछ काम नहीं होता ना, जो वेले बैठे होते हैं वो बस यही उंगली तोड़ते हैं दूसरे के। अच्छा, तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम लोग अच्छे हो, बस अपनी लाइफ पे अपनी फैमिली पे ध्यान दो, दैट्स इट, भोगने दो जो भोग रहा है। अब अच्छा भी करोगे तो बुराई बोलेंगे भाई, बुरा भी करोगे तो भी बुराई बोलेंगे। लोगों के लिए अच्छा थोड़ी ना करना है, आपको जिस चीज में खुशी मिलती है आपको वो करना है। ये बेफालतू में ये है देखने वाला तेरे को, इधर लोग ही है तेरे साथ इस टाइम पे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दुनिया सब कुछ बोलती है। मैंने तुम लोगों के सपोर्ट में वीडियो बनाई थी, मैंने बोला था कि भाई पायल को सपोर्ट करो, ये वो मेरे को बोल रहे थर्ड बीबी ये वो
अगर तुमने मिलाया तो उनकी थर्ड पीवीआर मांग के अब तुम ही बनने वाली हो, मुझे गालियां दे रहे, ये सब चीजें चलती रहती। ट्रोलिंग तो करना तो लोगों का काम है, तू रो के अपने आंसू क्यों वेस्ट कर रही है पब्लिक के लिए? ये लोग हैं सब तेरे साथ, क्यों टेंशन ले रही है? जो साथ है तेरे साथ खड़ा रहेगा, चाहे कोई कितना भी तेरे लिए बुरा बोल ले ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तुझे मानते हैं वो लोग तुझे कभी गलत नहीं मानेंगे, सिंपल सी बात है। देख यार, मैं तो जितना जानती हूँ ना जीजू को, मैं 15-16 साल से जानती हूँ, मैंने आज तक तो कभी नहीं ये बात भी नहीं सुनी। भी तुम्हारे घर में बहुत लोग आते जाते हैं, कितनी लड़कियां आती हैं कितनी लड़कियां जाती हैं, सब कुछ होता है। किसी के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुनी ये बात कि अरमान जी ने किसी पे गलत नजर रखे हैं। बट ये दुनिया का काम है ना, ये बोलते रहना बोलते रहना। मैंने तुम्हारी सपोर्ट में बोला था तो मुझे तीसरी बीवी बना दिया, मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया लोगों ने, तो भैया ये दुनिया की बातों पर जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य तुम बताओ, आज तक जीजू ने तुमसे कोई बदतमीजी करी? नहीं, कभी भी नहीं करी। तेरे को देख देख के वो भी रो रही है और मैं तो चुप हो गई। तो पागल, आपस में ना टूटो मत, तुम दुनिया को बोलने दो। और ये बात, ये मैं ये सोच रही हूँ कि हमारे घर में 4 साल हो गए शांति को, शांति की बहन को भी 4 साल हो गए, उससे पहले कितनी लड़कियां हमारे घर में आके रह भी चुकी हैं। मैंने आज तक नहीं सुना इतने सालों में। बहुत सारी वैष्णवी हो गई अपनी, वो हो गई जो हमारे को जिम कराती थी, निष्ठा हो गई, निष्ठा की बहन हो गई, भवानी हो गई, शिवानी हो गई जो शिवानी बॉडी बिल्डर, वो हो गई, ठीक है। और अपनी यहाँ से एक दो लड़के और, नाम याद नहीं, ऐनी अपना दुबई का काम छोड़ के आई है, तो हमारे घर आती जाती है, इतनी लड़कियां हमारे घर आती जाती है। एक चीज जनता जान लीजिए, जब तक इन बेवकूफों को आप लोग सब्सक्राइब फॉलो करते रहेंगे तब तक आप लोग को गालियां पड़ती रहेंगी। उसकी बहन और पायल मलिक साफ कह रहे हैं कि जनता जैसी ऐसी सोच की ऐसी सोचती रहेगी, जनता के बारे में जाने क्या क्या बोली, और वही जनता इनको सर पर बिठा के रखी। भाई आप लोग को सच्चाई दिखती नहीं है क्या? इसके फॉलोअर्स तुरंत कम होने चाहिए, इसके सब्सक्राइबर कम होने चाहिए, क्विट कर देना चाहिए इन लोगों को। और जो YouTube छोड़ने की बात कर रही ना बहन, तू कर ही दे, क्योंकि तेरा YouTube छोड़ देना ही बेटर रहेगा सबकी भलाई के लिए। और मैं कुछ भी नहीं कहूंगी।